प्रिय मित्रों नमस्कार। आज जैसा कि आपको जानकारी है, हमारे सनातन धर्म हिंदुओं का नया संवत 2078 प्रारंभ हो रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जितने श्रोतागण हैं वो हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की सरकार संपन्न रहे, संतुष्ट रहे, राष्ट्र में मुसीबत ना आवे, राष्ट्र की जनता, हमारे मित्रगण सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। आप लोग का जो हम मुझको स्नेह प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप यही स्नेह प्यार मुझको देते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको ज्योतिष तथा कुंडली देखने का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराऊं। आज मैं शनि मंगल के बारे में बतला रहा हूँ। वैसे शनि मंगल के बहुत से वीडियो बने हुए हैं, मगर मैं आज बतला रहा हूँ शनि मंगल की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में रहने से शादी में रुकावट, पारिवारिक सुख में बाधा देता है। जिसकी लग्न में शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, पारिवारिक रूप से परेशान रहते हैं, शादियों में विलंब होता है, सही शाम साथ शादी नहीं होती। जिसके लग्न से चौथे हाउस में शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग के चरित्र गिर जाते हैं, पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, शारीरिक सुख नहीं मिलता है, नशा कराता है और शादी प्यार इच्छानुसार शादी सब में रुकावट जाता है। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में शनि मंगल की युक्ति, ऐसे लोग शादीशुदा होकर भी तलाक देते हैं, इनका जीवन हमेशा पारिवारिक विवादों में जाता है, इच्छानुसार शादी नहीं होने देता है और शादी में विलंब करता है, रुकावट लाता है, कुछ लोगों का शादी न भी होने देता है। जिसकी कुंडली में लग्न से आठवें भाव में शनि मंगल की युक्ति हो, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन तलाक पर आ जाता है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन विवादों में रहता है, कभी भी इच्छानुसार शादी नहीं होती है, चाहते हुए भी नहीं होता है, हमेशा मानसिक परेशानी होती है। जिसकी कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में शनि मंगल की युक्ति हो, दोस्तों ये पारिवारिक सुख में भी बाधा देता है, शादी विवाह में सुख देता है, दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करता है, आर्थिक परेशानी लाता है, मानसिक परेशानी लाता है, ऐसे लोग का जीवन कभी सुखदायी नहीं होता। ये छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। आज का वीडियो नेगेटिव है, मगर देना पड़ता है, इसको आप सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे आप करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। अगर कोई मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए। उसके लिए कुछ आपको शुल्क फीस देना होगा, फीस देंगे तो मैं पूरा विवेचन कर दूंगा। इतना कहते हुए मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।